द कश्मीर फाइल्स फिर चर्चा में आ गई है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के जूरी हेड नदव लेपिन ने इसे प्रोपेगेंडा बताकर विवाद पैदा कर दिया है। इजरायली फिल्म मेकर नदव लेपिन ने द कश्मीर फाइल्स को वल्गर प्रोपेगेंडा बताया है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता है। उन्होंने कहा, काश टिप्पणी करने वाले महोदय एक बार पीड़ित कश्मीरी पंडितों से मिले होते और उनके दर्द को महसूस किया होता। इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी के कमल कहने पर भी तंज कसा। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने नदव लेपिड के बयान को लेकर कहा कि जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। मैं कश्मीरी फाइल्स फिल्म पर टिप्पणी करने वाले फिल्म निर्माता नदव लेपिड के लिए बात कह रहा हूँ। 90 के दशक में घर बार कारोबार और अपनों को छोड़ने का जो दंश कश्मीरी हिंदुओं ने झेला है, उस पीड़ा और दर्द को हर भारतवासी के सामने सजीव रूप से फिल्म कश्मीर फाइल्स के माध्यम से पहुंचाया गया है। काश टिप्पणी करने वाले महोदय एक बार रूबरू पीड़ित कश्मीर पंडितों से मिले होते और उनके दर्द को महसूस किया होता। आपका बयान अलगाववादी और टुकड़े टुकड़े मानसिकता वाली गैंग के लिए दिया गया प्रतीत होता है। आपके इस शर्मनाक बयान से पूरा देश आहत है। जाके पायना फटी बिमाई, वो का जाने पीर पर आई। सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होने वाले नदव लेपिड जी, आपको कश्मीरियों की पीड़ा समझ ही नहीं आएगी। 90 के दशक में घरबार छोड़ने का और अपनों को छोड़ने का जो दंश कश्मीरियों ने हिंदुओं ने भोगा है ना, आप अगर उनके पास जाके एक बार समझने की कोशिश करते, सुनने की कोशिश करते, तो आपको शायद एक अंश उस पीड़ा का एहसास हो पाता। कश्मीर फाइल फिल्म को जिस तरह से आपने प्रतिक्रिया दी है, ये पीड़ादायी है। एक बार रूबरू होते तो उसका सतांश भी समझ में आता आपको। आपका ये बयान अलगाववादी और टुकड़े टुकड़े वाली मानसिकता का समर्थन करता है, मैं निंदा करता हूं। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि 2G 3G के बाद राहुल गांधी ने जी लगाना बंद कर दिया है, इसीलिए वरिष्ठता के बाद भी कमलनाथ जी के नाम में उन्होंने जी लगाना जरूरी नहीं समझा। दरअसल इसमें राहुल जी की गलती नहीं है। दरअसल UPA सरकार के समय जो 2G और 3G घोटाले हुए थे, उसके बाद से उन्होंने जी लगाना ही बंद कर दिया होगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।